दोस्तों, इस वीडियो में हम टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट एंड बटन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बेसिक सा डिटेल्स में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट मारते हैं। तो ये रहा हमारा टेक्स्ट व्यू में क्या होता है। ठीक है, टेक्स्ट व्यू जो होता है टेक्स्ट को लिखने के लिए, ये देखिए, ये एक टेक्स्ट व्यू है, ये एक टेक्स्ट व्यू है, ये टेक्स्ट व्यू है, जहाँ पर आपको कुछ लिखा दिखाई जा रहा है, इस सभी में टेक्स्ट व्यू का इस्तेमाल किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट, टेक्स्ट, जहाँ पे आपको टेक्स्ट दिखाया जा रहा है वहाँ पे टेक्स्ट व्यू का इस्तेमाल हो किया गया है। आप टेक्स्ट को यहाँ पर भी टेक्स्ट को लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक यहाँ पर लिमिट है, कुछ लिमिट तक आप यहाँ से टेक्स्ट को लिख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए, पेस्ट, इसको मैं पेस्ट करता हूँ, इसको भी मैं पेस्ट करता हूँ, सॉरी, आजा, पेस्ट करता हूँ। देखिए, यहाँ पे आप इतना लीटर तक आप मैक्सिमम लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा आप यहाँ पे लिख नहीं सकते। ठीक है, मैं थोड़ा कट कर देने को। हाँ, तो अगर आप यहाँ से टेक्स्ट व्यू में कुछ भी लिखते हैं तो आप इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। अगर आप इससे ज़्यादा लिखते हैं, लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इवेंट में चलते हैं। इवेंट में आपको ऑन एक्टिविटी में आप कहीं भी लगा सकते हैं। यहाँ पे व्यू में आ जाइए। व्यू में आने के बाद आपको यहाँ पे सेट टेक्स्ट का एक मोर मतलब ब्लॉक मिलेगा। ये देखिए, आपको यहाँ पे एक सेट टेक्स्ट का ब्लॉक मिलेगा, इसके अंदर इसका पर क्लिक करेंगे तो व्यू में, व्यू के अंदर आपको ये रहा सेट टेक्स्ट। तो यहाँ पे इसका पर क्लिक करके जो टेक्स्ट व्यू है उसका पर क्लिक कर दीजिए और सिलेक्ट कर दीजिए, और जो भी टेक्स्ट है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जितना मर्जी आपका, जितना मर्जी टेक्स्ट है आप यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे कोई भी लिमिट का ऑप्शन नहीं है, हजार करोड़ों आप जितना मर्जी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जितना मर्जी। ठीक है, सिलेक्ट ऑल, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। देखिए, जितना मर्जी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी लिमिट का ऑप्शन नहीं है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आप जितना मर्जी अपना टेक्स्ट को लिख सकते हैं, तो इसको मैं बैक कर दूंगा। तो यहाँ पे अगर आप सेट करते हैं तो यहाँ पे सेट हो जाएगा, और आप यहाँ पर भी सेट कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेट कर सकते हैं, और ये जो है इससे आप टेक्स्ट का साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। टेक्स्ट का जो साइज है, साइज को आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, इससे आप टेक्स्ट का स्टाइलिश को चेंज कर सकते हैं। बड़ा, देखिए ये देखिए, टेक्स्ट का स्टाइलिश जो होता है इस तरह का कुछ, तो आप टेक्स्ट का स्टाइलिश को आप चेंज कर सकते हैं इससे। अभी आपको टेक्स्ट का कलर आपको दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट का कलर आप चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको पसंद है आप उस कलर का टेक्स्ट यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर, रोटेशन, ये तो आपको पता होगा, बता दिया मैंने। तो अभी हम इसको कट कर देंगे, हम एडिट टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये रहा एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट में क्या होता है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप कुछ लिखते हैं, लिख रहे हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एडिट टेक्स्ट, इसको बोलता है एडिट टेक्स्ट। ठीक है, जहाँ पे हम कुछ टाइपिंग करते हैं, कुछ लिखते हैं इस तरह का कुछ, तो उसको बोलता है एडिट टेक्स्ट। तो हम इसको बैक कर देंगे। तो ये जो एडिट टेक्स्ट है इसका काम वही है, इसको हम कर देंगे मैच परेंट। ये देखिए, एडिट टेक्स्ट का कुछ सेटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका पर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, इसके बारे में आपको पता होगा, बता दिया मैंने। यहाँ से आप उसका स्टाइलिश कलर को, आप यहाँ से हिंट, जो हिंट होती है ना उसको आप दे सकते हैं। हिंट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसको कट कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे सर्च फॉर ऐप एंड गेम्स दिखाई दे रहा है, तो इसको हिंट बोलता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं कुछ भी इस तरह से टाइपिंग करता हूँ तो क्या होगा, जो वो भाग जाएगा, वो देखिए वो भाग गया है। ठीक है, वो भाग गया। हाँ ठीक, और अगर मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे कुछ हिंट दिखाई दे रहा है दोस्तों, सॉरी, आपको यहाँ पे जो हिंट दिखाई दे रहा है, जो बैकग्राउंड में जो लिखा हुआ है उसको बोलता है हिंट। तो आप यहाँ से हिंट को दे सकते हैं, ये जो हिंट लिखा हुआ है, जो भी आप हिंट यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर योर ईमेल, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंटर योर ईमेल, इसका जो हिंट है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको इनपुट बताया गया है, कीवर्ड का इनपुट, कौन सा कीवर्ड का इनपुट, आपको नंबर रखना चाहते हैं, फ़ोन, पासवर्ड, जो भी आपका इनपुट रखना, मतलब कीवर्ड जो हो ना, कीवर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, इसका पर मैं क्लिक करता हूँ और इसका ऊपर, तो आपको यहाँ पे नंबर का कीवर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए,
ये जो कीबोर्ड है ये नंबर का दिखाई जा रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पूरा का पूरा कीबोर्ड दिखाई जा रहा है। अरे आजा भाई, हाँ यहाँ पे आपको पूरा का पूरा कीबोर्ड दिखाई दे रहा है। तो इसका बोलते हैं कीबोर्ड टाइप। तो कौन सा एडिट टेक्स्ट में जब आप क्लिक करेंगे तो कौन सा कीबोर्ड आप दिखाना चाहते हैं, उसके लिए आप यहाँ पे इनपुट, इनपुट मतलब टाइपिंग जो करेंगे उसके लिए कौन सा कीबोर्ड आप यहाँ पे रखना चाहते हैं, नंबर वाला, पासवर्ड वाला, फ़ोन वाला, जो भी आप रखना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर दीजिए और सिलेक्ट कर दीजिए। पर यहाँ पे है, यहाँ पे जो है ये आप गोर सर्च का ऑप्शन रखना चाहते हैं या फिर सेंड का, नेक्स्ट का, डन का, जो भी आप रखना चाहते हैं। कीबोर्ड का ना ये लास्ट तरफ रहता है ना, गो या फिर सर्च करो, सेव करो, तो जो भी ऑप्शन आप रखना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कीबोर्ड में। और बाद बाकी सब सेम है और कुछ नया नहीं है इसमें। तो इससे आप कुछ भी टाइपिंग कर सकते हैं। और ये है बटन, बटन किसको बोलता है, बटन, बटन बटन कहते हैं ये एक बट मतलब बटन, देखिए ना ये, देखिए ये एक बटन है, ये बटन है, ये बटन है, बटन जिसका ऊपर टैप करने पर, ये देखिए बटन है जिसका ऊपर ये बटन है, टैप करने पर ये काम कर रहा है, तो उसको बटन बोलते हैं। बटन एक स्विच है, ये देखिए बटन है, बटन 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 बटन, ठीक है। तो ये रहा बटन। तो इस बटन को आप एडिट कर सकते हैं, उसका पूरा का पूरा इंटरफेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा का पूरा मतलब कुछ भी कर सकते हैं, बटन को आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे इसका पर सेट करेंगे तो यहाँ पे ये सेट हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसको बना के। तो बटन का पर जब हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, सेट और ये गेट, गेट वाला जा। दोस्तों वीडियो का क्वालिटी आप ज़्यादा कर बढ़ा लीजिए तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और दिखाई देगा। तो ये गेट करेगा एडिट टेक्स्ट को, एडिट टेक्स्ट को गेट करेगा, सेट कर देगा टेक्स्ट व्यू में, टेक्स्ट व्यू वन में ये सेट कर देगा। एडिट टेक्स्ट को गेट करेगा, सेट करेगा मतलब एडिट टेक्स्ट में जो भी लिखा रहेगा उसको ये उठाएगा, सेट कर देगा टेक्स्ट व्यू वन में। तो हम इसको रन करेंगे, ठीक है, रन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो अभी हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ हम यहाँ पे जो भी कुछ लिखेंगे, टाइपिंग करेंगे, आप देख सकते हैं। अगर इसको मैं सेट करता हूँ तो वो यहाँ पे सेव हो गया। एडिट टेक्स्ट में अगर आप कुछ भी लिखते हैं दोस्तों, इस तरह से कुछ भी नंबर 1 2 नंबर इस तरह से लिखते हैं और इसका पर मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पर ये सेव हो गया। तो एडिट टेक्स्ट का इस्तेमाल ऐसा होता है, बटन और ये इमेज व्यू।